हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है और इसे हम बहुत कम मसालों के साथ बनाएंगे, तो ये खाने के लिए भी हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। ये आसान से अचार की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें। ये है अचार के इन्ग्रीडियंट। तो सबसे पहले हम नींबू और हरी मिर्च को अच्छे से पानी से धो लेंगे और उन्हें सुखा लेंगे। और अब हम हरी मिर्च को इस तरीके से इसका डंठल हटाते हुए इसे कट करेंगे। तो हरी मिर्च का डंठल हटा दिया है, अब हम इसे बीच में से कट लगाएंगे और इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं क्योंकि ये मिर्च कम तीखी है। तो इस तरीके से हम सारी मिर्च को कट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो मिर्च का मैंने कट कर लिया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे राई का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हल्की दरदरी पिसी हुई सौंफ ली है और नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इन मसालों को हम और अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो मैंने 4 नींबू लिए हैं और इन्हें मैं 4 पीसेस में कट करूँगी। तो इस तरीके से हम नींबू को कट करेंगे और इसके बीज हटा देंगे। ना यूज़ करें, नींबू डालने से इस अचार का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो सारे नींबू कट करने के बाद अब हमने जो मसाले इसमें डाले थे उन्हें हम मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से बाउल को हिलाते हुए हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों का यूज़ ना कीजिए मसाले मिलाने के लिए। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक ग्लास के जार में भर कर रख देंगे 2 दिन तक धूप के अंदर। तो मैंने इसे एक ग्लास के जार में भर लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। और इस पर हम लगाएंगे एक साफ़ कपड़ा। तो इस तरीके से हम कपड़े को ढक देंगे और इसे हम 2 दिन तक धूप में रखेंगे और बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। और 1 दिन के बाद ये देखिए, मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, नमक ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे 1 दिन तक और धूप में रखेंगे, हिलाकर कपड़े से ढककर फिर से धूप में रख देंगे। जब तक अचार अच्छे से नहीं बन जाता तब तक हमें कपड़ा लगाकर ही रखना है, इसका ढक्कन नहीं लगाना है। और जब अचार बन जाएगा तब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। 4 से 5 दिन लगे हैं इस अचार को बनने में और ये अचार बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं सर्व करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। तो अगर आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।